हेलो स्टूडेंट्स, आज डाउट क्लियरेंस क्लास का लेक्चर नंबर 5 है और जो क्वेश्चन मुझे कल तक मिले हैं बेटा, वो ज़्यादातर क्वेश्चन सेल द यूनिट ऑफ लाइफ और सेल साइकिल सेल डिवीजन से हैं। तो बेटा एक एक करके मैं इन क्वेश्चंस को आपको बताता हूँ और इनके आंसर भी बता रहा हूँ। जैसे कि पहला क्वेश्चन पूछा है कि स्पिंडल फाइबर्स किसके बने होते हैं, तो एक बात बता दूं बेटा, जो स्पिंडल फाइबर्स जो होते हैं ये प्रोटीन्स के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था डीएनए रिप्लिकेशन सेल साइकिल की किस फेज में होता है, तो सेल साइकिल की जो फेजेस होती हैं उसमें डीएनए का रिप्लिकेशन हमेशा एस फेज में होता है। और ये बात मैं बता भी चुका हूँ, लिखाया भी था मैंने, लेकिन फिर भी एस फेज आप याद रखिएगा, डीएनए का रिप्लिकेशन एस फेज में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइटोसिस की वह कौन सी स्टेज है जिसमें क्रोमोसोम सेपरेट होकर पोल्स की तरफ चले जाते हैं। वेरी सिंपल, कौन सी स्टेज है? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, चार अवस्थाएं होती हैं माइटोसिस में। चारों में से जो एनाफेज स्टेज है इसके अंदर क्रोमोसोम सेपरेट होकर के पोल्स की ओर चले जाते हैं, तो इसका आंसर होगा एनाफेज स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल प्लेट इज फॉर्म ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस। सेल प्लेट साइटोकाइनेसिस में बनती है या कैरियोकाइनेसिस में बनती है? तो सेल प्लेट का फॉर्मेशन बेटा साइटोकाइनेसिस में होती है। कैरियोकाइनेसिस का मतलब केंद्रक का विभाजन, ठीक है, तो सेल प्लेट हमेशा साइटोकाइनेसिस में बनती है। नेक्स्ट, बेस्ट एग्जाम्पल टू स्टडी द क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर की स्टडी का बेस्ट एग्जाम्पल कौन है? आपका जो है आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि न्यूरोस्पोरा जो है वो क्रॉसिंग ओवर की स्टडी करने का बेस्ट एग्जाम्पल है और ये एक प्रकार की फंजाई है जो एस्कोमाइसिटिस क्लास से बिलोंग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम के किस पार्ट से अटैच होते हैं, तो स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से अटैच होते हैं। काइनेटोकोर इसका जवाब होगा और ये शायद नीट 2016 का क्वेश्चन भी है। पिछले साल के पेपर आप देखिएगा, जब अंसार देखते हैं तो 2016 में शायद ये क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है G0 फेज में सेल का क्या होता है, G0 फेज में सेल का क्या होता है? ये सेल साइकिल से निकल जाती है, मतलब एग्जिट द सेल साइकिल, G0 फेज जो है वो सेल साइकिल से निकल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑफ एस्ट्रल रेज आर फॉर्म्ड ऑफ विच प्रोटीन। एस्ट्रल रेज, माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑफ एस्ट्रल रेज के जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो किस प्रोटीन के बने होते हैं, तो ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं। ट्यूबुलिन प्रोटीन याद रखिएगा, ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गेनेल्स ऑफ सेल इज रिच इन मैग्नीज। सेल के अंदर कौन सा ऐसा कोशिकांग है जिसके अंदर मैग्नीज पाया जाता है, रिच इन मैग्नीज, तो क्लोरोप्लास्ट इसका आंसर होगा। क्लोरोप्लास्ट के अंदर मैग्नीज की अधिकता पाई जाती है। नेक्स्ट है विच डाइज इज बेस्ट फॉर द स्टेनिंग ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम की स्टेनिंग के लिए बेस्ट डाइज कार्मीन होती है बेटा। कार्मीन से क्रोमोसोम की हम स्टेनिंग करते हैं। एक चीज और बता दें, अगर कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा माइटोकांड्रिया का कि स्टेनिंग हम किससे करते हैं, तो उसके लिए जेनस ग्रीन याद रखिएगा, एक शायद क्वेश्चन एम्स का है, तो जेनस ग्रीन से माइटोकांड्रिया की स्टेनिंग करते हैं। अगला क्वेश्चन है ऑर्गेनेल्स विद इन ऑर्गेनेल्स, वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छा क्वेश्चन है। आ भी सकता है ऑर्गेनेल्स विद इन ऑर्गेनेल्स राइबोसोम्स को कहते हैं, और द मेम्ब्रेन अराउंड द वैक्यूल्स ऑफ प्लांट इज नोन एज, वो मेम्ब्रेन जो वैक्यूल्स के चारों ओर पाई जाती है उसको हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। टोनोप्लास्ट इज द मेम्ब्रेन विच इज सराउंडेड वैक्यूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रोमेटिन किसका बना होता है, तो क्रोमेटिन इज मेड अप ऑफ न्यूक्लिक एसिड, हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। जो क्रोमेटिन होते हैं वो न्यूक्लिक एसिड, हिस्टोन्स और नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स के बने होते हैं। अगला क्वेश्चन जो है कि लैम्ब्रस क्रोमोसोम किस में पाए जाते हैं, यस, लैम्ब्रस क्रोमोसोम ऊसाइट्स एंड एम्फीबियंस में देखा गया है ड्यूरिंग मियोसिस। मियोसिस के समय फ्रॉग में एम्फीबियन
के उस साइट में देखा गया और इसको देखने वाले साइंटिस्ट जो है वो फ्लेमिंग थे। अगला क्वेश्चन है ई न्यूक्लिएटेड प्लांट सेल, नेम ऑफ ई न्यूक्लिएटेड प्लांट सेल। ई न्यूक्लिएटेड प्लांट सेल ह्यूमन सेल नहीं है, तो प्लांट सेल बेटा ये सीव ट्यूब होगी। सीव ट्यूब जो है वो प्लांट्स में ई न्यूक्लिएटेड होती है। नेक्स्ट है फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी, वेरी सिंपल, माइक्रोस्कोपी के फादर कौन है? एंटोनी फॉन लीवेनहॉक। और इन्होंने और भी कई सारी खोजें की हैं, जैसे इन्होंने क्या किया, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और स्पर्म की भी डिस्कवरी की, ऑब्जर्व किया इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेम्ब्रेन लेस एंड यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनेल्स। यस, अभी ये क्वेश्चन ऐसे ही था कि ऑर्गेनेल्स विद इन ऑर्गेनेल्स भी राइबोसोम है, मेम्ब्रेन लेस भी राइबोसोम है और यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनेल्स भी अगर पूछा जाए तो इसका जवाब भी राइबोसोम होगा। अगला क्वेश्चन है विच सेल ऑर्गेनेल्स इज द साइट ऑफ क्रेब साइकिल। क्रेब साइकिल की साइट कौन सा है सेल ऑर्गेनेल्स? तो क्रेब साइकिल की साइट जो है वो माइटोकांड्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निसल ग्रेन्यूल्स कहाँ पाए जाते हैं और माइलॉइड बॉडीज कहाँ पाई जाती है? तो निसल ग्रेन्यूल्स बेटा नर्व सेल में पाए जाते हैं और माइलॉइड बॉडी जो है वो रेटिनल सेल में पाई जाती है। एक चीज और बता दें कि ये जो नर्व सेल के निसल ग्रेन्यूल और रेटिनल सेल के माइलॉइड बॉडीज हैं, ये जो है बोथ आर फ्री वेसाइकल ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। अगला क्वेश्चन है सीमेंटिंग मटीरियल बिटवीन टू एडजेसेंट सेल, दो एडजेसेंट सेल के बीच का सीमेंटिंग मटीरियल वो क्या कहलाता है? वो होता है मिडिल लैमेला। मिडिल लैमेला दो सेल के बीच के सीमेंटिंग मटीरियल होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ये है कि लार्जेस्ट सेल कौन होती है? तो लार्जेस्ट सेल एग ऑफ ऑस्ट्रिच होता है। स्मॉलेस्ट सेल अगर पूछा जाए तो PPLO, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज। और अगर ये लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन, ये भी क्वेश्चन पूछा किसी ने, तो लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन जो है वो नर्व सेल होती है। अगला क्वेश्चन जो है वो मैं देखता हूँ क्या है कि मोनेरा की सेल वॉल किसकी बनी होती? तो मोनेरा की सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकॉन की बनी होती है। एक बात और याद रखिएगा, काइटिन जो फंजाई है, फंजाई की सेल वॉल काइटिन की बनी होती है, प्लांट्स की सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है। इस तरह से ये सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको दिए। उम्मीद करता हूँ कि जो भी और डाउट होंगे आपके पास, कलेक्ट करिए क्वेश्चन को, पढ़िए चैप्टर को अच्छे से, फिर जो क्वेश्चन ना समझ में आए मेरे व्हाट्सएप पर भेजते रहिए, मुझे फ़ोन करके बताते रहिए, मैं उन क्वेश्चंस को आपको एक एक करके बताता रहूँगा उनके आंसर। और उम्मीद करते हैं कि नीट 2020 आपके लिए सुखद होगा। ऑल द बेस्ट।